أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب نعمتیں اللہ کی عطا کی۔ My dear students, today our topic will be past continuous tense۔ آج ہم نے کرنا ہے past، لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے present continuous tense لکھا ہوا ہے۔ ये वो काम है जो कल मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इस बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। और पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, जब भी पैसिव वॉइस में आएंगे वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कल मैंने एक गलती भी कर दी थी, वो कुछ बच्चों ने ठीक काम सेंड किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अक्सर ने बस वो लकीर के फकीर हैं, बस जो देखा वैसे लिख दिया, समझने की कोशिश नहीं की। यहां पे लिखा हुआ है आई एम चेजिंग, चेज का मतलब है पीछा करना। आई एम चेजिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों का पीछा कर रहा हूं, कुत्तों का पीछा किया जा रहा है मुझसे। तो यहां पे मुझे चाहिए था कि मैं लिखता, यहां पे मुझे लिखना चाहिए था द डॉग्स आर बीइंग फॉलोड लिख दिया है। फॉलो तो मतलब तो पीछे ही करना है, लेकिन यहां पे एक्टिव में अगर चेज लिखा हुआ है, चेजिंग है, तो यहां पे फॉलोड नहीं आएगा, चेज दिया आएगा। तो ये अपनी मिस्टेक सारे बच्चे दुरुस्त कर लें। यहां पे मैंने गलती कर दी, इंसान हूं। कुछ बच्चों ने ठीक भेजा, मुझे बड़ी खुशी, वेल डन। सी एच ए एस ई चेज थर्ड फॉर्म्स आती है। अब और से देखें, नजदीक आए। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट नहीं है, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट को बोलते हैं फेल माजी जारी, फेल माजी जारी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे होगा, वो ही तरीका है। पास्ट में मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फिर बता देता हूं, एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज या दो मुख्तलिफ तरीके। एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा, बात का मतलब नहीं बदलेगा, फिक्र का मतलब वही रहेगा, जो बात की जा रही है बात वही रहेगी, अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा। रिवाइज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर कोई काम जमाने माजी यानी गुजरे हुए जमाने में जारी रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कल मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था, आज 12th है, कल 11 जून थी, 11 जून को मैं आपको पढ़ा रहा था और अभी पढ़ा रहा हूं, यह है फर्क। जो काम मौजूदा जमाने में हो रहा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो गुजरे हुए जमाने में जारी रहा हो पास्ट कॉन्टिन्यूस। कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था इस वक्त, कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था, आज मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं। फेल माजी जारी, वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वॉज ही गोइंग, वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। गौर से देखें, इधर करीब आके एक्टिव वॉइस में मैं हॉकी खेल रहा था, मैं हॉकी खेल रहा था, बोलो ना, इंग्लिश बोल दो ना, जल्दी बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। आई वॉज प्लेइंग हॉकी, इसका मतलब मैं एक काम सर अंजाम दे रहा था। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे काम किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है बेटा। हॉकी वॉज being played by me, बोलो हॉकी, हॉकी के बाद क्या आना चाहिए, was या verb। हॉकी was being being क्यों आया, ये continuous है, continuous पे first form के साथ ing आता है। first form देख लो, be first form है, तो इसके साथ ing लग गया, continuous बन गया being, समझ आई बात। हॉकी was being played by me, तो ये देखें हॉकी was being played by me। दूसरा फिक्रा देखें, you were गुजरे हुए जमाने में, you were abusing me,
तुम मुझे गालियां बक रहे थे, मुझे गालियां बकी जा रही थी तुमसे। तो यहां पे बोलेंगे कैसे, यहां से देखें, आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, आई एम चेजिंग, आई वॉज, पास्ट में क्या बोलेंगे, वॉज या वर, I was chasing the dogs, मैं कुत्तों का पीछा कर रहा था, कुत्तों का पीछा किया जा रहा था मुझसे, the dogs were, the dogs were being chased by me, तो जब ये देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर आए मेरे साथ, क्या है एक्टिव वॉइस, सीधा साधा जुमला, तो सीधे साधे जुमले को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो चेंजेस हमें मिली वॉज या वर, वॉज या वर की हमें चेंजेस मिली। और साथ में याद रखना है बी ई आई एन जी बीइंग, बोलो ना बी ई आई एन जी बीइंग, किसके लिए बीइंग, कॉन्टिन्यूस जारी है, जारी में क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी को भी दिखा दिया और थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं पैसे में, तो वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द पैसे वॉइस। तो क्या सीखा, जब एक्टिव वॉइस से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जब एक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस में आए तो क्या चेंजेस साथ हो जाओ, क्या चेंजेस आए, वॉस या वर, वॉज या वर्ब, स्मॉल डब्ल्यू करीब करें, बिल्कुल करीब करें, स्मॉल डब्ल्यू गोल गोल बनेगा, नीचे से देखें गोल गोल है, और जब कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाएगा तो कैपिटल डब्ल्यू की चोंच बनती है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। ये है आज आपकी एक्सरसाइज, इधर इधर आ जाएं, गौर से देखें, ऊपर आपने हेडिंग देनी है दो पेजेस, ये आपका रजिस्टर खुल गया, एक साइड वाला पेज, दूसरी साइड वाला पेज, तो जब आपका मुंह रजिस्टर की तरफ है तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है एक्टिव वॉइस, राइट साइड वाला पोर्शन पैसिव वॉइस, इसी तरीके से आपने ये एग्जाम्पल 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल के साथ उर्दू लिखी हुई है, मैं हॉकी खेल रहा था, हॉकी खेली जा रही थी, पास्ट बन जाएगा, हॉकी खेली जा रही थी मुझसे, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो आज आपने इस तरीके से काम करना है, और जब ये काम खत्म हो जाएगा तो यहां पे नीचे आपने इसी के नीचे, चूंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का काम करें तो यहां पे बड़ा बड़ा लिखते हैं एक्सरसाइज, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, एक्सरसाइज आदि एक पेज पे, आदि दूसरे पेज पे, इस तरह से लिखा हुआ है, ये दो पेजेस हैं, और इसी के नीचे फिर ये जो एक्सरसाइज में अब आपको दिखाने लगा हूं, बड़े मजे की चीज है, यू विल एंजॉय इट जी। ये देखें उसी के नीचे, ये जो पहला काम मैंने अभी आपको समझाया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो इस तरीके से उसी के नीचे आपने ये एक एक सेंटेंस के बाद एक एक लाइन छोड़नी है। कल भी बहुत सारे बच्चों ने गलत काम किया, अब ये गौर से देखें, ये सारी एक्सरसाइज भी कल वाली एक्सरसाइज है, कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थे, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गए, मैंने क्या किया, यहां पे इसको वॉज बना दिया, इसको वॉज बना दिया, आर को वर बना दिया, एम को वॉज बना दिया, पास्ट में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट, बाकी सेंटेंसेस सारे वही हैं, सिर्फ टेंस चेंज कर दिया, फिगर वही लिखे हैं। तो आपने हर सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है, हर सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर जब ये पेज पूरा फॉलो हो जाएगा तो पेज आप अपने सामने करेंगे, दो पेजेस खोलेंगे, एक पे लिखेंगे एक्टिव वॉइस, दूसरे पे लिखेंगे पैसिव वॉइस। इधर गौर से देखें एग्जांपल, ये एक्सरसाइज है, ही वॉज हेल्पिंग हर, शी वॉज बीइंग हेल्प बाय हिम, बोलो शी वॉज being helped by him, वो भी देख लो सामने लिखा हुआ है, she was being helped by him। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। Tomorrow is
सैटरडे, और आपको पता है सैटरडे संडे दो दिन आप छुट्टी मनाते हैं, लेकिन छुट्टी मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप स्टडीज नहीं करेंगे। ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं फोटो खींच के भेज देता हूं अभी आपको, ये आपने करनी है। ठीक है बेटा, दो दिन आपकी छुट्टी और सारा काम रिवाइज करना है। थैंक यू।